आलू बड़ी की सब्जी बनाने के लिए कटी हुई प्याज, लहसुन, टमाटर, अदरक, उबले आलू और ये मूंग की बड़ी। मूंग की बड़ी को मैं दरदरा कूट लूँगी खलबट्टे में। बस अब जल्दी से कढ़ाई रखते हैं गैस के ऊपर और रिफाइंड ऑयल डालते हैं। तेल गरम हो गया है, ये बड़ी कूट ली है मैंने। ये मसाले हैं, जो भी मसाले आप डालना चाहते हैं, जो पसंद हो वो डाल सकते हैं। हींग, तेल गरम हो रहा है, थोड़ी सी जो बड़ी कूटी हुई थी मैंने, इसको मैं ब्राउन होने तक भून लूंगी। मुझे गोल्डन ब्राउन पसंद है, आपको जैसा पसंद हो आप वैसा भूने। अब दो से तीन मिनट लगेगा इसको भूनने में। ये देखिए कलर चेंज हो रहा है, बहुत ही कम तेल में भुन जाती है। अब भुन चुकी है, अब धीमी कर दिया। मैं बड़ी निकाल लूंगी एक प्लेट में और फिर इसी कढ़ाई में बघार लगा दूंगी। ज़्यादा देर मत भूनिएगा, नहीं तो बड़ी आपकी जल जाएगी, काली हो जाएगी। फिर से एक तेल डाला मैंने, थोड़ा सा जीरा डाल दिया फटाफट, राई, अब हींग भी डाल दी। हींग से खुशबू बहुत अच्छी आती है। ये मैंने अदरक, लहसुन, टमाटर और प्याज का जो पेस्ट बनाया था उसे मैंने कढ़ाई में डाल दिया। अब इसे तब तक भूनने देंगे जब तक ये तेल ना छोड़ दे। बहुत सिंपल सब्जी है, इसे आप पराठे, नान और चावल के साथ खा सकते हैं। मुझे तो घी की रोटी के साथ खाना बड़ा पसंद है। थोड़ी सी हल्दी डाल दी मैंने, धना, ये धना मैंने घर में कूटा हुआ है दरदरा, थोड़ी सी लाल मिर्च, सॉरी नमक का सूट नहीं हो पाया, आप नमक डाल लीजिएगा। ये मैंने ढक के रख दिया है, 5 से 7 मिनट में अच्छा पक के तैयार हो जाएगा। ये देखिए कलर चेंज हो गया, पानी भी सूख रहा है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। ये उबले हुए आलू काट लिया मैंने, थोड़ा बड़ा है, आपको जैसा काटना वैसा काटें। और ये बड़ी भी डाल दी फ्राई की हुई, अच्छे से मिक्स करेंगे। और चाहे तो आप ऐसे भी खा सकते हैं, मैं तो पानी ऐड करूँगी इसमें, थोड़ी पानी वाली सब्जी अच्छी लगती है मुझे।
ये देखिए थोड़ा सूख गया है, मैं पानी ऐड कर दे रही हूँ। अच्छा कलर आया है सब्जी में, ढक के रख दे रही हूँ। 5 मिनट और पकाऊंगी मैं इसको। अच्छा देखिए कितना प्यारा कलर आया है, बिल्कुल कम मसाले में और कम तेल में, बहुत हेल्दी होती है। सर्दियों में खाइए, बहुत मज़ा आएगा। और ये मैंने हरी धनिया धो के और काट के डाल दी है गार्निशिंग के लिए, और लास्ट में ही डालें इससे सब्जी को, खाने में बहुत मज़ा आता है, खुशबू रहती है एक्चुअली।